देखिए, जैसा हम लोग सभी लोग जानते हैं कि परीक्षा जो है सितंबर में होने के आसार उसके दिख रहे हैं। तो अब आपके पास जो है समय कम है, इस कम समय में क्या आपको नई चीज़ पढ़नी चाहिए, क्या आपको पुरानी चीज़ों को जो है उनको समेटना चाहिए, या पुरानी चीज़ों को समेटते हुए नई चीज़ों को देखना चाहिए, कैसे शार्पनेस आए, क्योंकि आपको भी पता है कि कंपटीशन बड़ा टफ होता है। और स्पेशली अगर जो आपका जो जो भी UP TGT या PGT से जो लोग भी जुड़े होंगे, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ इसमें क्या होती है, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय हो चाहे आपका नवोदय विद्यालय हो, कहने का मतलब ये UP TGT और PGT छोड़ करके जितने भी शिक्षक बनने के लिए आपकी जो है परीक्षा होती है, वो चाहे TGT हो, किसी भी स्टेट का PGT हो, या केंद्र का TGT हो, PGT हो, किसी भी विषय का, सब में एज लिमिट है। लेकिन जो आपका UP TGT PGT है, इसमें एज लिमिट नहीं है। इसमें जो है लोग सीनियर लोग भी अप्लाई करते हैं, वो भी जो है एज लिमिट न होने के कारण सब इसमें जुटे रहते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे भीड़ ज़्यादा होती है, और भीड़ अननेसेसरी लोगों की नहीं होती है, क्वालिटी प्रोडक्ट वाले लोगों की भीड़ ज़्यादा होती है। कहने का मतलब कि जो इंसान उसका ओवर एज हो चुका है, वो जो है कहने का मतलब कि DSSB में नहीं डाल सकता है, जो है नवोदय विद्यालय में नहीं डाल सकता है, या आपका जो है केंद्रीय विद्यालय में नहीं डाल सकता है, फिर भी देखिए नौकरी की चाहत सबको होती है। तो लास्ट में यही आपका UP TGT TGT और PGT एक चारा बचता है, और उसमें वो सतत मेहनत करते हैं, जो भी सीनियर्स हैं सब सतत मेहनत करते हैं, सब्जेक्ट पे उनकी बड़ी अच्छी कमांड होती है। तो अब आपके लिए चैलेंज होता है, जो यहाँ पे बिगनर्स हैं, जो नए हैं, इनके लिए चैलेंज होता है कि इन लोगों के बीच में कैसे आप प्लेस बनाएं। तो उसमें प्लेस बनाने के लिए हम आपको रीडिंग का कुछ एकदम सेट फार्मूला बताते हैं, क्योंकि और ये मेरा फार्मूला ऐसा नहीं कोई जादुई फार्मूला है, ये हमने ऊपर भी अब जो है अपने ऊपर अप्लाई किया है, और इससे मुझे जो है 2 बार सफलता मिली है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के, या जो मैं फार्मूला आपको बताने जा रहा हूँ, आप इस पे सेट पैटर्न पे पढ़ाई करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि इसमें जो एक सबसे बड़ा मुझे जो है पढ़ने के दौरान जो अनुभव हुआ है, सबसे बड़ी चीज़ आपकी होती है कि रिवीजन रिवीजन, और वो भी आप जो है रिवीजन उसको मनोवैज्ञानिक तौर पे रिवीजन करिए, ये नहीं कि अंधाधुंध आपको रिवीजन करना है। और परीक्षा में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, देखो परीक्षा में जो बाल की खाल निकालने वाले क्वेश्चन होते हैं उनसे हमको बचना चाहिए। आजकल सोशल मीडिया पे कुछ लोगों को हमने देखा है कि ऐसे क्वेश्चन एक दो डाल देते हैं, आप उसमें डिस्टर्ब हो जाते हैं, जबकि उस क्वेश्चन का परीक्षा से दूर दराज तक कोई लेना देना नहीं है, परीक्षा में नहीं आते हैं। स्पेशली अगर जो आप इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, तो इंग्लिश के ग्रामर में ले ग्रामर को लेकर के ग्रामर में तो इनफॉर्मल इतने ज़्यादा क्वेश्चन जो कुछ लोग सिर्फ दिग्भ्रमित करने के लिए डालते हैं, आपको बुक का रेफरेंस भी दिखा देंगे कि फला बुक में ये चीज़ दी गई है, आप उसका प्रूफ, और वो बुक अथेंटिक भी होगी, अथेंटिक भी वो बुक होगी, लेकिन फार्मल इनफॉर्मल कोलोक्वल या नॉर्थ जो है नॉर्थ अमेरिकन इंग्लिश, कहने का मतलब नॉन स्टैंडर्ड इंग्लिश, उस पे आपका ध्यान नहीं जाता है, आपको सिर्फ किताबों में दिखाया जाएगा, तथा कथित जो स्कॉलर महोदय हैं वो पढ़ाते कम हैं, आपको जो है दिग्भ्रमित ज़्यादा कर रहे हैं। तो इस परिस्थिति में हम आपको बताएंगे कि आपके लिए सबसे अच्छी एक किताब है, वो है रेन मार्टिन की किताब। नाम बहुत बड़े बड़े हैं, जैसे माइकल स्वान हैं आपके, रेमंड मर्फी हैं, क्विर्क हैं, सिडनी ग्रीनबाम हैं, और भी हैं, लेकिन इनमें क्या है, इनमें आपको दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता है, फॉर्मल इन फॉर्मल पे फोकस ज़्यादा करना पड़ता है। अगर जो फॉर्मल इन फॉर्मल पे आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, सजग हो के नहीं पढ़ जो है आपको नहीं पढ़ पा रहे हैं, और स्टार्टिंग में होता सबके साथ यही है, सब लोग सजग हो के नहीं पढ़ पाते हैं, ऐसा नहीं कि ये आपके लिए है, ये अपने मैं ये व्यक्तिगत मेरा अनुभव है, जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर आपको बता रहा हूँ। तो इसमें ये बीच का रास्ता क्या होता है कि आप रेन मार्टिन बुक लीजिए, आप इसको अच्छे से पढ़ें, वाकई इसमें इतना मैटर है, अगर जो आप इसको जितनी बार पढ़ेंगे आपको नई नई चीज़ यहाँ पे मिलेंगी, इससे आपका मन भरता है, तो आप नेसफील्ड चाहें तो ले सकते हैं, वैसे हम कहेंगे कि रेन मार्टिन ही आपके लिए सफिशियंट है। दूसरी चीज़ क्या होती है इसमें कि क्वेश्चन देखो परीक्षा में आपके आपके 3 टाइप के पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन होता है आपका बड़ा ईजी सा होता है, ठीक, तो ये इजी क्वेश्चन आपके मैनुअल मिस्टेक के कारण, OMR फिलिंग के कारण ये कभी गलत नहीं होने चाहिए, हड़बड़ाहट में इन सब चीज़ों को आपको गलत नहीं करना है, नहीं तो अगर जो इजी क्वेश्चन आपका गलत हुआ तो समझिए आप बाहर हैं। फिर एक होते हैं औसत क्वेश्चन, मिडिल वाले,
तो ये इजी वाला और ये मिडिल वाला, इन पे आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। और उसके बाद हर परीक्षा में 10 ऐसे क्वेश्चन डाले जाते हैं, 10 में से सिर्फ 5 ही क्वेश्चन पे आप कर सकते हैं। 5 क्वेश्चन ये मान के चलिएगा कि उन 5 क्वेश्चन जो आपको वो छोड़ने ही छोड़ने पड़ेंगे हर एक एग्ज़ाम में, चाहे वो TGT का कोई भी ईयर रहा हो, कोई भी मतलब वो रहा हो, 5 क्वेश्चन ये आपको मान के चलना पड़ेगा कि उन 5 क्वेश्चनों के पूछे मुझे नहीं पढ़ना है। उन 5 क्वेश्चन के पीछे अगर जो आप पढ़ेंगे तो आपकी सारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी, सारी आपकी स्ट्रेटजी डिस्टर्ब हो जाएगी, और वो 5 क्वेश्चन आपके सिलेक्शन नहीं रोकेंगे। स्पेशली मैं इंग्लिश का बता रहा हूँ। तो अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या आती है कि आप पहले अपना सिलेबस जानिए कि आपका सिलेबस क्या है। तो सिलेबस में जितनी भी चीज़ें हैं डेली आपको उनको टच करना है, भले ही आप उनको आधा घंटा दीजिए लेकिन डेली आप उनको टच करिए। तो इससे क्या रहता है कि कोई भी पार्ट आपका अछूता नहीं रहता। जैसे सपोज दैट लिटरेचर में आपने क्या किया, लिटरेचर में आप 4 राइटर्स पढ़े, 4 राइटर्स पढ़ने के बाद आप उनकी जो है बायोग्राफी पढ़े, तो आप उनके वर्क पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। वर्क पे आपने ध्यान दिया तो बायोग्राफी इजी समझ के आप छोड़ दिए, लास्ट में पता चला उसमें आपको कन्फ्यूजन शुरू हो गई, तो रिवीजन आपको करना है। दूसरी चीज़, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर नहीं आता है TGT इंग्लिश में, जो है हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर जो आप पढ़ते हैं वो नहीं आता है। तो हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर आपको नहीं पढ़ना है, उसकी जगह हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर की जैसे आपके पास किताब है तो उसमें आप 4 राइटर्स ही पढ़िए, या अगर जो जो PGT की तैयारी कर रहे हैं तो अपने जो उनके जो है 17 राइटर्स हैं आप उनको ही, 17 या 18 जो भी हैं उन, सिर्फ आपको उतने का ही पढ़ाई करनी है, ज़्यादा का आपको नहीं करना है। उसके बाद आपको उनको रख देना है, आपके पास समय बचता है, आप पर्टिकुलर राइटर का जो डिटेल टेक्स्ट है आप टेक्स्ट को पढ़िए, आप उनके जो है कहने का मतलब लिटरेरी फॉर्म्स को पढ़िए। डिटेल में जाना है तो आप लिटरेरी फॉर्म्स पढ़िए, लिटरेरी फॉर्म्स जैसे आपका ये सॉनेट हो गया, ओड हो गया, इनकी फॉर्म, इनको पर्टिकुलर किसी का सॉनेट पढ़ने के बजाय आप इनकी फॉर्म पे पढ़िए। जैसे सॉनेट में क्या है, तो सॉनेट में आपको जो है डिवीजन पता होना चाहिए कि पेट्रार्कियन सॉनेट क्या है, आपके जो है ये शेक्सपियरियन सॉनेट क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। इसमें जो टेक्निकल टर्म यूज होते हैं जैसे सिजरा है आपका, बोल्टा है, सिजरा जो है सॉरी ये बोल्टा जो है पेट्रार्कियन सॉनेट में कितने के बाद आता है, या आपका जो है शेक्सपियरियन सॉनेट में इसमें यहाँ बोल्टा आपका कितने के बाद आता है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी, फॉर्म पे आपको फोकस करना है क्योंकि फॉर्म से क्वेश्चन बनते हैं। और उसके बाद जो लिटरेचर में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण की चीज़ है वो है आपका लिटरेरी टर्म्स, और लिटरेरी टर्म्स में भी मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव रहा है, जैसे कडन भी आपके पास ऑथेंटिक बुक है, क्रिस बाल्टिक भी ऑथेंटिक है, लेकिन जितना वैल्यू, जितना कहने का मतलब क्लियरिटी, जितनी ऑथेंटिसिटी आपको MH Abrams में मिलेगा वो दूसरा किसी में नहीं मिलता है। भले ही प्रथम दृष्टया वो आपको पढ़ने में थोड़ी कठिन सी लगती है, आपको उसी का सहारा लेना है, उसमें जितने भी टर्म्स दिए गए हैं उन टर्म्स को आपको क्लियर करना है। क्लियर करने के साथ साथ उनको अच्छे से आपको जो है समझना है, उनके कॉन्सेप्ट को समझना है, रटने के बजाय आप उनके कॉन्सेप्ट को समझिए। तो यहाँ पे आपको फार्मूला क्या बनाना पड़ेगा कि इजी क्वेश्चन और प्लस ये मिडिल वाले क्वेश्चन, इसमें आपको मैनुअल मिस्टेक तक नहीं करनी है, इन दो पे आप कमांड कर ले गए तो जो ये 10 क्वेश्चन आपके एक्स्ट्रा आते हैं 10 में 5 आप कर ही ले जाएंगे, अपने आप अनुभव के आधार पर कर ले जाएंगे। और नई नई चीज़ पढ़ने के बजाय, जैसे नई नई चीज़ पढ़ने के बजाय जब परीक्षा का 1 महीना रह जाता है तो चीज़ों को आपको जो है कंसाइज करना आना चाहिए, छोटा करना आना चाहिए, आपको उनका रिवीजन खूब करना चाहिए। सबसे ज़्यादा प्राथमिकता मैं रिवीजन को दूंगा इन सब चीज़ों में। और जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ उनमें सिर्फ रटने की वो जो है विषय वस्तु होती है, तो रटने के लिए आप उनका खुद का न्यूमोनिक्स कोई ना कोई बना लीजिए, दिमाग में रोकने के लिए आप उनकी कोई ना कोई न्यूमोनिक्स खुद से बनाइए। अच्छा, एक चीज़ आपने और देखा होगा कि आप लिटरेचर पे इतना ज़्यादा फोकस करते हैं, जबकि लिटरेचर आप ये मान के चलिएगा कि अगर जो सही से देखा जाए तो लिटरेचर आप 1 महीने में तैयार कर सकते हैं कंपटीशन लेवल का, अगर जो आप अच्छे से तैयारी आप 2-1-2 साल से करते आ रहे हैं और बीच में हल्का फुल्का आपको जो है बीच में आप स्लो हो गए हैं, परीक्षा की डेट सडन अगर जो अभी गई है, तो लगभग लगभग 1 महीने में लिटरेचर आपका कुछ अस्तरीकृत बन जाता है। लेकिन आप ये कहो कि मैं 1 महीने में ग्रामर अगर जो बीच में मैंने छोड़ रखा है ग्रामर को मैं मेंटेन कर ले जाऊंगा, तो 1 महीने में ग्रामर आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपका मूल फोकस होना चाहिए ग्रामर पे, और ग्रामर में भी क्या चीज़ आपको जो है वहाँ पे ज़्यादा वो करना चाहिए, जैसे ग्रामर में जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनके, एक्टिव पैसिव आपका ईजी है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपका ईजी है, यहाँ से जो है
ये प्रैक्टिकल के क्वेश्चन होते हैं, इनका सिर्फ आपको एक बार सिद्धांत समझ लेना है, बाकी इनकी मीनिंग समझते हुए आपको जो है चीज़ों पर उनके काम करना है, ये प्रैक्टिकल की चीज़ है। अच्छा, जैसे सबसे ज़रूरी चीज़ है फिक्स के प्रीपोजिशन, इसमें आपका बहुत समय लगता है याद करने में, फिक्स के प्रीपोजिशन याद करने में। दूसरी चीज़ आपकी क्या होती है, जैसे फ्रेजल वर्ब होती है, आपकी स्पेलिंग होती है, आपकी वर्ड मीनिंग होती है, इन इस पे अगर जो जिसका अच्छे से कमांड होता है, उसके बाद ग्रामर पे, तो ये समझिए कि आप इसमें सिलेक्शन छोड़ दीजिए, आप इसमें रैंकिंग होल्डर बनने की सिचुएशन में आ जाएंगे। तो चीज़ों को आप एक बैलेंस तरीके से लेकर के चलें, आप दिन के शेड्यूल को ऐसा डिवाइड करिए कि आपको लिटरेचर भी हाफ टाइम में आपको लिटरेचर देखना है, हाफ टाइम में आपको ग्रामर देखनी है, और उन्हीं चीज़ों का बार बार रिवीजन करिए। बार बार रिवीजन करने से क्या होता है, गेस के आधार पर जो क्वेश्चन किए जाते हैं उन क्वेश्चनों को राइट होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। जब आप एक गेस लगाते हैं, नई चीज़ आप भले नहीं पढ़ रहे हैं, अच्छा दो चार सालों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के ज़रूर देखिएगा, वहाँ देखने के बाद आपको एक चीज़ ज़रूर मिलेगी कि जो नए नए क्वेश्चन हैं, नए क्वेश्चनों की संख्या जो आपको हो सकता है कि दुर्लभ टाइप के हों, कम मिलते हों, या जो है परीक्षा में आने के बाद ही लोगों का उनका आंसर पता चले, तो इनकी संख्या टोटल ये मान के चलिएगा 5 से 7 होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। होते क्या हैं, होते वही आपके घूम फिर के जो क्वेश्चन ज़्यादातर उसमें जो है 30% क्वेश्चन तो रिपीटेड होते हैं। तो जितना भी पुराना से पुराना आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाए, आप उनको सॉल्व कर डालें, और सॉल्व करने के साथ साथ आप उसका पैटर्न देखें कि इनका क्वेश्चन बनाने का क्राइटेरिया क्या है, किस स्टैंडर्ड के ये क्वेश्चन बना रहे हैं, क्वेश्चन इनका कहाँ से ज़्यादा क्रिएट हो रहा है। अब जैसे आपके सिलेबस में क्या है, सिलेबस में तो आपका जो है एक हिसाब से देखा जाए तो भाई लिटरेरी फॉर्म्स में तो आपके नावल भी आ जाते हैं, लेकिन नावल से आप परीक्षा में देख लीजिए कितने क्वेश्चन फंसे हैं आज तक, मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। तो आपको फोकस कहाँ ज़्यादा करना है, वहाँ पर आपको जो है उसको चीज़ आपको समझने की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, अब एक बात आती है कोटेशंस की, जैसे कोटेशंस आपको याद नहीं होते हैं, तो कोटेशंस याद करने का सबसे अच्छा फार्मूला होता है, सबसे पहले तो उस कोटेशंस की आप भले ही पूरा प्ले ना पढ़े हों, लेकिन कम से कम उस कोटेशन की आपको मीनिंग पता हो, किसने किससे बोला, किस रेफरेंस में वो कोटेशन बोला गया, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अच्छा, कोटेशंस हैं भी बहुत ज़्यादा, आप उसमें छांटेंगे कैसे, तो बस छांटने का सबसे अच्छा फार्मूला यही होता है कि जिस पे लिटरेरी मीनिंग ज़्यादा है, मतलब कहने का मतलब कि जिसमें फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ ज़्यादा हुआ है, जो कहने का मतलब बीटी डायलॉग्स हैं, वही ज़्यादातर आपके परीक्षा में आते हैं घूम फिर के, तो इन सब चीज़ों पे है। अच्छा, कोटेशंस जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो वहाँ एक चीज़ आपको मिलेगी कि आप देखेंगे कि कोटेशंस वही हर एक परीक्षा में आते हैं, उसको टफ बनाना होता है तो एक्ट सीन पूछ लेता है, और टफ बनाना होता है तो किसने किससे बोला है ये आपका पूछ लेता है, या आने वाले समय में हो सकता है उसके किसी पर्टिकुलर वर्ड की मीनिंग पूछ ले, या कोटेशंस ऐसे भी आ सकते हैं कि पूरा फैल्टी फिर स्पेस करके उमन, तो बीच का आपको जो है भरने का जो है 4 विकल्प दे दिया जाए, आप उसमें से क्या कर सकते हैं। तो कोटेशंस आप देखेंगे तो ज़्यादा बोर्ड के पास भी जो है वो यूज़ कम कर रहे हैं, जो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, यूज़ नहीं कर रहे हैं, बशर्ते उनको टेक्निकल फॉर्म में उसी कोटेशंस को रिप्रेजेंट करने की इनकी आदत है। तो आप जनरल से ये मान के चलिएगा कि लगभग 104 राइटर्स के मिला करके 100 से 200 कोटेशंस आप जो है अपने तैयार कर लीजिए, बहुत ज़्यादा तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, और इसी को आप जो है डीप इनका ऑब्जर्वेशन करिए, इसमें जो है फिगर ऑफ स्पीच मैक्सिमम कौन से हो सकते हैं आप उनको देखिए। अच्छा, एक धारणा हमने और देखी है जो है ग्रुप के बीच में या जो है सोशल मीडिया के थ्रू हमने देखा है कि जैसे फिगर ऑफ स्पीच के लोग ग्रुप में 1-liner क्वेश्चन डाल देते हैं और उसमें पूछते हैं कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, आपके दिमाग में वो चीज़ भरी है कि ये एक लाइन है तो इस पे एक ही फिगर ऑफ स्पीच होगा, ऐसा नहीं है। कोई भी राइटर होता है, कोई भी पोएट होता है, वो अपनी लाइन पे जितना मैक्सिमम फिगर ऑफ स्पीच डालता है उसकी लाइन उतनी ही प्रभावी होती है। तो कोई ये ज़रूरी नहीं है कि एक लाइन है, आपने उसमें पर्सनिफिकेशन याद कर रखा है तो उसमें पर्सनिफिकेशन ही हो, ऐसा नहीं है। उसमें सिमली भी हो सकती है उसी पे, आपका मेटाफर भी हो सकता है, मेटोनमी भी हो सकती है। तो बंद के कभी फिगर ऑफ स्पीच के उत्तर नहीं दिए जाते हैं। इसमें आपको क्या होता है, आप विकल्प देखिए, सबसे पहले विकल्प में क्या दिया है, तो विकल्प अब कुछ ये आपके विकल्प के आधार पर ही जो है निर्धारित होते हैं। ग्रामर के ज़्यादातर क्वेश्चन जो पार्ट्स ऑफ स्पीच पार्जिंग वाले स्पेशली आते हैं
वो विकल्प के ऊपर ही रन करते हैं। फिगर ऑफ स्पीच आपका विकल्प के ऊपर ही रन करता है कि पूछना वाला पूछना क्या चाहता है। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आप इसको जो है पूछने वाले का आप माइंड समझिए, उसकी आप जो है कहने का मतलब कि वो आपसे क्या जानना चाहता है, किस चीज़ की आपकी टेस्ट करना चाहता है। तो जब ये चीज़ आप समझेंगे, इस बेस पे आप काम करेंगे, तो चीज़ें आपकी बड़ी आसान हो जाएंगी। और भी इन पे अच्छा, कोटेशंस में एक चीज़ और होती है कि आप उसको रटने के बजाय आप उसको डेली देखिए। अब जैसे आप उसको डेली कम ये मान के चलिए कि आधे घंटे हमको इसको डेली देना है, तो सिर्फ आप उसको देखा ही करेंगे। जैसे कुछ लोगों की रटने की क्षमता कम होती है, वो रट नहीं पाते हैं। तो जिनकी रटने की क्षमता कम है उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि आप सिर्फ उसका रिवीजन करिए, डेली रिवीजन करिए। जैसे ब्रश करना ज़रूरी है, नहाना ज़रूरी है, वैसे वो भी आपका ज़रूरी है। आप इसको ऐसे मान के चलिए, आप कहीं भी ट्रेवल कर रहे हैं, जो भी आप नोट्स बनाइए, लूज नोट्स बनाइए, स्पेशली उनका जो आपको याद नहीं हो रहा, आप उनको जेब में रख के रहें, कहीं आप बैठे हैं, एक बार आप उसको नज़र मार के देख लीजिए। तो समय आपके पास इतना ही है, आवश्यकता जो है सबके पास, सबको जीवन में है। आप इन्हीं समय में से समय निकालने पर तब समय निकलता है, मायने रखता है कि आप कितनी वरीयता किसको दे रहे हैं। किसी के पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं होता, एक्स्ट्रा टाइम आपको बनाना पड़ता है जो भी चीज़ आप कर रहे हैं। और जैसे बायोग्राफी आप तैयार करें, तो बायोग्राफी को आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वे पे तैयार करिए। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वे पे तैयार करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप सपोज डेट, जैसे अभी विद्यार्थी जीवन में हर काम सबको करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि जो है सब लोग बहुत धनाढ्य परिवार से हैं, तो सब अपने घर का सारा काम सब लोग करते हैं, उसी में आप आवश्यकता अपनी काटते हैं, समय उसमें बचाते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई कैसे होती है, कितना इन्वेस्ट उसमें हो रहा है, कितना जो है विद्यार्थी मानसिक झंझावात को झेलता है, वो सब सारी चीज़ हम लोग भी फेस किए हैं, हम लोगों को भी वो सब सारी चीज़ें पता हैं। और मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा कितना सफ़र करता है पैसों को लेकर के, सिचुएशन को लेकर के, घर के तानों को, जैसे कहने का मतलब सोसाइटी के तानों को, तो इन सब के बीच में आपको करना क्या है कि आपकी पढ़ाई 24 घंटा बाधित ना हो। आप अगर जो इन्जॉय भी कर रहे हैं, आप डिस्कशन भी कर रहे हैं, तो आप उन दोस्तों के साथ करिए जिनका ये आपकी फील्ड से जुड़े हों, आप उनसे जो है इंटीमेसी बनाइए। दूसरी चीज़ ये है कि आप काम कुछ भी कर रहे हों लेकिन दिमाग में आपके दौड़ना यही चाहिए। जैसे कोटेशंस हैं, डेली डेली जब आप देखना शुरू करेंगे तो पता चला, जैसे आप बर्तन धुल रहे हैं, आप अपना जो है खाना बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो दिमाग में वही रील चलती है। तो भले आप काम दूसरा कर रहे हैं लेकिन आपकी पढ़ाई तो जारी है। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वे में बार बार रिवीजन करने का ये फ़ायदा होता है कि कोई ज़रूरी नहीं कि आपके हाथ में किताब है, आप ट्रेवलिंग कर रहे हैं, दिमाग में आपका दिमाग जो है रन कर रहा है, आप चीज़ों को सोच रहे हैं, भले आप ट्रेवलिंग कर रहे हैं, आपकी पढ़ाई जारी है। तो जब ये सिचुएशन आपकी बन जाएगी कि 24 घंटे आप उसी पढ़ाई में रमे रहेंगे, काम कोई सा भी करेंगे, दिमाग में वो चीज़ आपकी चलेगी, तो सिलेक्शन लेना आसान हो जाता है। और भी इंफॉर्मेटिव तथ्यों के साथ, और जो है पढ़ाई कैसे करनी है, कैसे स्ट्रेटजी बनानी है, इनके साथ जो है नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ आएंगे। और भी जिस टॉपिक पे, जैसे ग्रामर के कोई भी टॉपिक आपको परेशान करता हो, या लिटरेचर का भी कोई टॉपिक आपको परेशान करता हो, जिसमें आपको कन्फ्यूजन हुई हो या आप कन्फ्यूज हुए हों, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मेंशन करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो आपके आपको टेस्ट के अकॉर्डिंग टू मिलेगी। थैंक्स।